हेलो, माय सेट देवेंद्र सिंह सर, और मैं आज डिस्कस करूंगा लेंथेनाइड सीरीज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस की मेन मकसद है कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस जहां इंपॉर्टेंट हैं तो इंपॉर्टेंट ये इसलिए हैं कि इससे हम लोग लेंथेनाइड सीरीज के अंदर तमाम छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जाहिर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और हर क्वेश्चंस किसी ना किसी कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में एक सही विजन उसका बनाएगा कि हाँ वो क्या है और उस पर क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन नंबर वन है। लेकिन चलिए, इससे शुरू करने से पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, और चैनल तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। चलिए, तो सबसे पहले एक्टिनाइड्स जो हैं, जो एक्टिनाइड्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, यानी सॉरी लेंथेनाइड से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन इसके पीछे का कारण भी देखिए, इसके पीछे का कारण ये है कि जो हमारे लेंथेनाइड सीरीज होती है उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन 4F में होता है और यहाँ 5F में होता है, और 5F जो होता है न्यूक्लियस से दूर होता है और इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, और इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है इतना छोटा होता है कि आसानी से हम इनसे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये ठीक है शो करता है। तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जो एक्टिनाइड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो 7s से निकलेगा, और कहाँ से निकलेगा बेटा, 7s से, और हमारे पास डी और एफ से निकलते हैं। ठीक है, और जो अब इनके बीच में इतना कम डिफरेंस है तो आसानी से सभी से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा ऑक्सीडेशन शो करते हैं। अच्छा, तो हम जैसे रिएक्टिविटी की बात भी करें तो लेंथेनाइड जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है। उसके पीछे भी कारण है कि लेंथेनाइड्स में 6s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है इन कंपैरिजन टू एक्टिनाइड के 7s से, जिससे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है और इसलिए इसका मेटालिक करेक्टर भी ज़्यादा, एक्टिनाइड सीरीज का मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और ये कम रिएक्टिव होती हैं। चलिए, तो पहला ऑप्शन ये तो खैर इसकी कोई सेंस यहाँ नहीं बन रही, ठीक है, एंगुलर पार्ट पर तो कोई बात ही नहीं है, एंगुलर पार्ट तो दोनों के लिए ही सेम। अब हम बात करेंगे एक्टिनाइड्स आर मोर रिएक्टिव, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन इसका आंसर नहीं है, नॉट आंसर, इट इज नॉट ए आंसर, आंसर नहीं है, स्टेटमेंट ठीक है। ये इसका आंसर है, ये 5F, क्योंकि 5F जो होता है वो 4F का कंपेरेटिव दूर है, उससे इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इससे थोड़ा मुश्किल है, और इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्योंकि इससे निकल सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर भी, बहुत सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ही हम इससे बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन पे लाता हूँ। क्वेश्चन में ये है बेटा कि यदि आप देखें तो लेंथेनम और ल्यूटीनियम में, लेंथेनम तो खैर हमारा, एक मिनट मैं यहाँ बताऊँ, लेंथेनम बेटा ये हमारा कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ से शुरू होते हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लेंथेनाइड्स है। लेकिन तुम देखोगे इसके बाद, क्योंकि इसके बाद एफ ऑर्बिटल का एंट्री शुरू हो जाती है, एफ की जो होती है स्क्रीनिंग बहुत कम होती है, यानी कि वो साइज छोटा, तो ये इनके सबके साइज बहुत छोटे हो जाते हैं। जब इनके साइज, इनके आयंस के साइज छोटे हो जाएंगे तो फिजान के अनुसार इसमें कोवलेंट करेक्टर डोमिनेंट हो जाएगा, और कोवलेंट करेक्टर कम होने से आयनिक करेक्टर, सॉरी कोवलेंट करेक्टर का बढ़ जाएगा, जिससे आयनिक करेक्टर क्या होगा, आयनिक करेक्टर कम हो जाएगा। अब बेसिसिटी जो होती है वो आयनिक करेक्टर के प्रोपोर्शनेट है, मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लेंथेनम हाइड्रोक्साइड में और ल्यूटीनियम हाइड्रोक्साइड में यदि मैं इनके अंदर कोवलेंट करेक्टर कंपेयर करूं तो इट इज मोर कोवलेंट, राइट, दिस इज मोर कोवलेंट, मोर कोवलेंट मतलब लेस आयनिक, राइट, लेस आयनिक का मतलब लेस बेसिक और ये लेस, तो इसका मतलब ये साफ समझ में आ जाता है कि जो आपके लेंथेनम हाइड्रोक्साइड है वो ज़्यादा बेसिक होगा। ये स्टेटमेंट तो सरासर गलत है, लेकिन मैं बाकी को भी बताता हूँ। आयन का साइज हमेशा घटता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेंथेनम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये बात भी सही है, और इनके साइज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनके साइज भी सेम है, ये बात भी सही है। तो आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, और बाकी बेटा मैंने यहाँ सब कुछ लिखा है, यदि आप वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं, जो बातें मैंने बोली हैं तो आपको ज़्यादा और समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के लिए सही नहीं है। देखो बेटा, एक बात तो आप समझ लीजिएगा सब बच्चे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों के लिए +3 होती है, प्रीडोमिनेंट है दोनों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें बोथ सीरीज में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये बात भी सही है, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे लेंथेनाइड में कॉन्ट्रैक्शन होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और एक्टिनाइड में होता है उसे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ये बात भी सही है।
एक्टिनाइड्स के अंदर ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता के आया हूं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों एलिमेंट नहीं बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक्टिनाइड सीरीज में होते हैं, लैंथेनाइड सीरीज में नहीं होते हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब क्वेश्चन नंबर चार में इनकरेक्ट स्टेटमेंट लैंथेनाइड्स के लिए बताना है। ठीक है, अब यदि मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसके लिए बताऊं तो बेटा एक बात तो समझ में आती है कि ये जो लैंथेनाइड्स होते हैं ये डायलूट एसिड के साथ हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन के साथ जो लिबरेट नहीं, सॉरी HCl के साथ या एसिड के साथ जो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करते हैं वो ये होते हैं चापा। ठीक है, ए कॉपर मरकरी ए जी प्लैटिनम ए यू ये नहीं, बाकी सब तो करते ही हैं। दे फॉर्म कार्बाइड विद कार्बन, बिल्कुल सही बात है, और ये MC2 टाइप कार्बाइड बनाते हैं, इसमें भी मुझे कोई दो राय नहीं नजर आती। इनके हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं क्योंकि मेटल हैं, तो हाइड्रोक्साइड तो बेसिक होंगे, भले ही वो कम बेसिक है लेकिन बेसिक तो होंगे, और ये स्टेबल टूवर्ड, तो इसने जरा ध्यान दीजिए बेटा, इज स्टेबल नहीं बेटा रिड्यूस, ये इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि पावरफुल है तो रिड्यूसिंग एजेंट के सामने शांत हो जाएगा, नहीं हो सकता, एकदम से उनको ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रॉपर्टीज हैज हायर वैल्यू ऑफ लैंथेनाइड इन कंपैरिजन, कौन सी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइड में ज्यादा होती है, लैंथेनाइड में ज्यादा नहीं होती, एलिमेंट साइज कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनाइड्स के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है लैंथेनाइड में नहीं होता, तो इसका मतलब तो भैया फिर तो यही आंसर मेरे पास बचता है, इसके अलावा तो वो आंसर ही नहीं बचा। क्वेश्चन नंबर छः में अब मैं आपको बता दूं बेटा, जिरकोनियम और हाफनियम, जैसे जिरकोन, जैसे आपके एक मिनट बेटा, शायद आपको हम मैंने यहाँ एक मिनट, यदि बेटा आप 4D और 5D सीरीज के मेंबर देखें, ठीक है, तो जैसे ये और ये 4D और 5D के एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, इन दोनों के साइजेस बराबर हैं, कारण लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, अच्छा इनके साइजेस सेम, इनके ऑक्सीडेशन, इसका कोई लैंथेनाइड से लेना देना नहीं है, इन दोनों के अंदर सेम रेडियस है बेटा, येट्रियम और लैंथेनम, अरे भाई ये तो ये जो एलिमेंट हैं, पहली बात तो इनके साइज बिल्कुल एग्जैक्ट से नहीं है, थोड़ा फर्क है, और यदि होता भी तो भी इसका आंसर नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो लैंथेनाइड जो होती हैं वो तो इसके बाद शुरू होती है सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज तो लैंथेनम के बाद शुरू होती है, तो लैंथेन से पहले हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन तो इनके बाद होगा, इससे पहले तो हुआ ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्शन तो इसका रीजन नहीं बनेगा ना कभी भी, तो ये तो वैसे ही गलत है, तो आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में लिखा है, बेसिसिटी के बारे में भी मैंने जो ऊपर समझाया था वो यहाँ लिखा है, तो मुझे लगता है कि यदि आप लोग, मैंने ये थोड़ा सा इसको जरा पढ़िएगा, और यदि ये बातें आपको ठीक लगें जो मैंने लिखी यहाँ पे, तो इनके नोट्स भी प्रॉपर अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये सारी बातें बेटा मैंने आगे करके आपके साथ डिस्कस भी की हैं। ठीक है, तो इनको सेपरेट, अब जैसे यहाँ पे पूछा जाता है इनको सेपरेट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, अरे भाई जब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है साइजेस लगभग सेम हो जाते हैं, मतलब कम हो जाए, डिक्रीज होता है ना साइज, तो साइज बहुत थोड़ा, मतलब बहुत थोड़ा डिफरेंस रह जाता है, तो उस केसेस में क्या होता है, और साइज सेम है तो हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो होती हैं चार्ज अपॉन साइज के प्रोपोर्शनल चलती हैं, और चार्ज अपॉन साइज सेम हो जाता है सबका, तो उसका अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, और 1907 तक तो ये कहा जाता था कि ये 14 एलिमेंट नहीं एक ही एलिमेंट है, क्योंकि इसको सेपरेट ही नहीं कर पा रहे थे, और अब भी हम सेपरेट करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, बाकी इसको आप देखिएगा, कोई खास ऐसी बात नहीं जो मैंने ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की है, मैंने सब बातें बोली, ये नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको जरूर अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इनकरेक्ट स्टेटमेंट लैंथेनाइड्स, बिल्कुल सही, ये तो स्टेटमेंट सही है, ऑल पैरामैग्नेटिक हाइड्रेटेड लैंथेनाइड्स आर कलर्ड, ऑल तो नहीं कह सकता बेटा, बहुत सारे ऐसे हैं जो कलरलेस हैं, मतलब एक दो तो ऐसे भी हैं, तो ठीक है, तो ये वर्ड कहना चाहिए ऑल पैरामैग्नेटिक हाइड्रेटेड लैंथेनाइड्स, एक मिनट बेटा, आर कलरलेस, अब इस एक मिनट बेटा जरा थोड़ा सा इसको समझिएगा, अब जैसे मैं आपसे यहाँ एक बात करूँ, ठीक है, कि सारे के सारे पैर, ऐसा नहीं बेटा, कुछ हमारे पास ऐसे हैं लैंथेनम, मतलब सीरीज में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके जो कलरलेस हैं, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होते हुए भी वो कलरलेस हैं, तो इसलिए ये आंसर तो मुझे गलत नज़र आ रहा है। ठीक है, और जिरकोनियम हाफनियम को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है, ये बात भी सही है। मिसलिन मेटल्स, और मैंने मिस मेटल्स को यहाँ लिखा है कि एक स्टील का है, एक तरीके का एलॉय है जिसमें लैंथेनाइड्स लगभग 95% होती है, स्टील का तो एलॉय नहीं कह सकते, लैंथेनाइड्स का एलॉय कह सकते हैं,
और बाकी ये मेटल्स इसमें रहती हैं, ठीक है। और इसके अंदर लगभग कोई 25% लेंथेनम होती है, 15% नियोडिमियम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेटा मिश मेटल है, इसको आप एक बार देखिएगा और मुझे लगता है कि शायद आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट लगे और आपके बोर्ड के लिए तो ये मिस मेटल पे अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है नॉन लेंथेनाइड, अरे भाई दिस इज नॉट लेंथेनाइड, दिस इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 +2 और +3, भैया इसमें आंसर आएगा यूरोपियम और यूरोपियम का कॉन्फिग्रेशन है दिस, इसमें डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और 2, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन और यदि लूज करेगा तो वो एफ से निकलेगा, तो मेनली ये 2 और 3 दोनों शो कर सकता है। और बाकी में क्या होता था कि 2 एफ से निकलते थे, 1 डी से निकलता है, इसलिए 3 शो कर देते थे। इसमें डी में नहीं है, सिर्फ 2 पे ही, ये 2 पर ही संतोष कर लेता है और फिर 1 इलेक्ट्रॉन और निकालेगा तो एफ से निकालेगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यूरोपियम और टर्बियम ये दोनों +2 शो कर सकते हैं और दोनों में यही प्रॉब्लम है, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। टर्बियम में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जिससे डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और इसमें 7 हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।